मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम लेना चाह रहे हैं, जैसे कि पहले एक वीडियो में आपने देखा था, हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात जहाँ पे की थी और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नई चीज इसमें ले रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी अष्टकफल के संकुलों के अंदर स्प्लिटिंग विपाटन ऊर्जा कैसे हम समझा पाए, कैसे निकाल पाए, इसका एक टॉपिक ले रहे हैं आज। तो यहाँ देखेंगे, देखिए हमने बताया था कि ये डी ऑर्बिट की स्थिति थी, इस समय डी ऑर्बिटल जब डी जनरेट अर्थात एक समान ऊर्जा के जब डी ऑर्बिट उपस्थित है, उस समय की स्थिति क्या होती है, देखिए ये स्थिति है। और यहां पे मैंने कहा था आपको, जो ऑक्टाहाइड्रल की बात कर रहे हैं, विशेष रूप से क्यों टॉपिक ले रहे हैं ऑक्टाहाइड्रल, तो यहां पे मैंने कहा था ये दो अक्षर पर चले जाएंगे, तीन कक्षक नीचे आ जाएंगे, ये औसत ऊर्जा इसकी, ये क्या है, अवरेज एनर्जी, डी कक्षक की अवरेज एनर्जी है। इससे मैंने कहा था दो कक्षक ऊपर की ओर जाते हैं, तीन कक्षक नीचे की ओर आ जाते हैं, यानी दो औसत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा के कक्षक हैं और तीन कक्षक जो है वो औसत ऊर्जा से लो ऊर्जा के कक्षक हैं। इनको हमने नाम दे दिया था ई जी कक्षक और इनको दे दिया था हमने टी टू जी कक्षक। इसी को अगर आप आगे ले, आप देखिए ये हमने पुनः पांच कक्षक जो समराइज बनाए और यहां पे आप देखिए ये हमारे पास दो कक्षक आ गए वो ई जी के और ये आगे तीन कक्षक टी टू जी के। ये औसत ऊर्जा जो थी, विपाटन की बात कर रहे हैं, यहां देखिए ये ऊर्जा हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक ये ऊर्जा जो औसत ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के हैं, ये बताए थे मैंने आपको प्लस 0.6 और इसका नाम हमने दे दिया डेल ओ, डेल जीरो नहीं है, डेल ओ ऑक्टाहाइड्रल की विपाटन ऊर्जा क्या है, और ये नीचे वाले कक्षक 0.4 डेल ओ। और ये जो टोटल ऊर्जा का जो अंतर है ये हमेशा एक समान रहेगा, डेल ओ के नाम से लिखा दें या इसको 10 dQ के नाम से भी हम संबोधित कर सकते हैं। तो यहाँ एक सीधा सा क्या निकला कि जब समान ऊर्जा के डी कक्षक एक साथ हैं, जिन्हें हम डी जनरेट कक्षक कह रहे हैं, ये लिगेंड जब भी इसके पास प्रवेश करेगा तो डी कक्षक को, मैंने कल बताया था जैसे आपको कि हलचल शुरू हो जाती है, ऊर्जा का उठाव शुरू हो जाता है और उसके कारण से कुछ कक्षक जो है वो हायर एनर्जी को जाते हैं, कुछ कक्षक लो एनर्जी को जाते हैं। इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि अभिविन्यास क्या है, आने वाले लिगेंड का अभिविन्यास क्या है, एक्स एक्सिस की ओर है या एक्स वाई एक्सिस के मध्य की ओर है। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के अगर मध्य में अभिविन्यासित है तो स्थिति क्या होगी, टी टू जेड वाली बनेगी। यहाँ पे तीनों कक्ष जो मैंने बताया था आपको डी एक्स वाई, डी वाई जेड और जी जेड एक्स, जो कि लोअर एनर्जी कक्षक हैं, और दो कक्षक हायर एनर्जी के डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जो कि हायर एनर्जी कक्षक हैं। ये एक विपाटन का इसका रूप है, इसको हमने नाम दे दिया सी एफ एस ई, यानी क्या हुआ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या जाएगा अपने पास, माइनस 0.4 डेल ओ एन टी टू जी प्लस 0.6 डेल ओ एन ई जी। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया जो क्या बता रहा हमें, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में। यहां पे आप देखेंगे ये चीज एन टी टू जी व एन ई जी, ये क्या है, ये है टी टू जी व ई जी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये ध्यान रखना फॉर्मूला, क्योंकि इसके बेस पे हम किसी भी ऑक्टाहाइड्रल के अंदर या कोई भी अपने पास आयन दे दिया जाए उसका हम डी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला ऑक्टाहाइड्रल के लिए लगा करके हम और इसके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, पहले यहाँ पे देखें बात हम ये डी वन विन्यास की बात कर रहे हैं, तो डी में हमने देखा ये तीन कक्षक एक जैसे थे, दो कक्षक एक जैसे थे, यहाँ पे तीन में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चला गया पहले कक्षक में, यानी ये था हमारे पास टी टू जी और ये थे ई जी कक्षक। अब इस फॉर्मूला को अगर हम लगाएं तो
तो आप देखेंगे कि मान कितना आ रहा है इसका, एक इलेक्ट्रॉन है किसमें, 4, यानी 0.4 इंटू डेल 0 इंटू एन, एन क्या अपने पास एक इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6 क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, शून्य हो गया। तो बचा क्या, -0.4 इसका मान किसका, D1 के। यहां पे एक चीज और देखना कि हमने कहा कि लिगेंड की बात जो हमने की थी कि लिगेंड दो प्रकार के विशेष रूप से, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो होते हैं, तो लिगेंड को मैंने कहा दो प्रकार के लिगेंड हमने बात की थी, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने की कैपेसिटी में होती है। और वीक फील्ड क्या होता है, अयुग्मित है तो अयुग्मित ही रहेंगे, वो युग्मित करने की कैपेसिटी में नहीं होती, इसलिए उनको वीक नाम दे दिया, उनको स्ट्रॉन्ग नाम दे दिया। यहां इसलिए बता रहा हूं ये चीज क्योंकि आगे हम देखेंगे D2 और D3 कि अगर हम स्प्लिटिंग एनर्जी निकालें तो आप पाएंगे कि कोई अंतर नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का कोई प्रभाव नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि D2 में अगर हम आगे चलेंगे, देखिए आप, तो यहाँ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इसमें गया, ये हमारे पास खाली अभी इजी वाला। और D3 के अंदर आप पाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, एक इसमें गया, एक, यानी D3 तक चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें भरेंगे, T2g कक्षक के अंदर ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे। अब देखिए D3 का मान निकाल लो, D3 का मान क्या आएगा, यहाँ आप इस मान रख सकते हैं 0.4 इंटू 3 क्योंकि 3 इसमें, n का मान 3 है, प्लस 0.6, ये क्या 0 हमारे पास कोई है ही नहीं, तो क्या बच गए, -1.2 किसके लिए, D3 के लिए, ये 0.8। इसका मतलब क्या है, D1 D2 D3 तक कोई दिक्कत हमें नहीं है, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे भी। आगे चलते हैं D4 के लिए। D4 में देखिए ये वीक फील्ड की बात हम कर रहे हैं, D4 वीक फील्ड। तो वीक फील्ड में मैंने पहले बताया था आपको कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अयुग्मित ही रहेंगे, क्योंकि यहां पे युग्मित करने की कैपेसिटी नहीं है, वीक फील्ड, दुर्बल लिगेंड की बात कर रहे हैं, यहां पे उनकी युग्मित करने की कैपेसिटी नहीं है। तो क्या कारण होगा, तो यहां पे अगर जो ऊर्जा का मान आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.3 प्लस 0.6 इंटू 1, तो ये क्या हुआ 1.2 माइनस प्लस 0.6, तो इससे इसका मान भी हम निकाल सकते हैं जो मान आ रहा है आपका इसका, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अनपेड T2g में कितने थे, T2g के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 × 3 = 12 1.2, और यहाँ पे प्लस 0.6 कितने इलेक्ट्रॉन है, Eg में एक इलेक्ट्रॉन है तो 0.6, तो मान आएगा -0.6 किसके लिए, D4 के लिए, और ये किसके लिए था, वीक फील्ड के लिए। अब देखिए आप, अगर यही स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो क्या स्थिति होती, ये दोनों आ गए हमारे पास Eg और ये T2g। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हमें बढ़ने हैं, तो पहले 1, 2, 3, अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन वापस किसमें चला जाएगा, T2g के अंदर ही चला जाएगा, और इसका मान क्या आ जाएगा, -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 0, तो ये मान कितना हो गया, -1.6 मान आ जाएगा किसका, D4 का स्ट्रॉन्ग फील्ड में, और वीक फील्ड में है -0.6। तो ये इस प्रकार से हम D5, D6, D7, D8 तक निकाल सकते हैं, और D8-10 के अंदर आपको पता है 0 आएगा, और D5 के अंदर भी। तो कहने का अर्थ है किसी भी को भी हमें दे दिया जाए संक्रमण तत्वों में, इसके लिए हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम इसके अंदर, इसी का एक बार आप इसको देख लें थोड़ा सा, और तो यहां इसको पुनः एक बार अपन देख लें एक बार, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की और स्क्वायर प्लेन की बाद में बात करेंगे, पहले हम ऑक्टाहेड्रल पे चल रहे हैं। तो यहां मैंने कहा था डी जनरेट मेटल आयन, यानी डी ऑर्बिटल डी कक्षक का विपाटन कैसे हो रहा है, ईजी कक्षक और T2g कक्षक, T2g कक्षक के अंदर 3 कक्षक आ जाते हैं, ईजी के अंदर 2 कक्षक आ जाते हैं। ऊर्जा एनर्जी का डायग्राम अगर बनाए तो आप देखेंगे कि ये ईजी कक्षक T2g कक्षक दोनों की ऊर्जा अंतर है वो 10 dQ के बराबर होती है। औसत ऊर्जा से ईजी कक्षक की ऊर्जा जो प्लस 0.6 डेल ओ ऑक्टाहेड्रल के लिए,
और -0.4 डेल ओ, ये T2g कक्षक के लिए एनर्जी औसत ऊर्जा से कम ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम इसका एक एनर्जी डायग्राम प्राप्त करके और एक फॉर्मूला निकालते हैं जिसके अंदर CFS मैंने कहा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये मान होता है -0.4 डेल ओ एन T2g प्लस 0.6 डेल ओ ईजी इन डेल ओ एन ईजी। यहाँ पे एन क्या बताया मैंने, वेयर T2g व एन ईजी, ये क्या है T2g व ईजी कक्षकों में विद्यमान इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखिए आप टेबल जो अपने बात कर रहे थे, ये विन्यास लिया हमने D1 D2 D3 से लेकर D10 तक, और ये दुर्बल लिगेंड है, ये प्रबल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड में देखिए मैंने कहा T2g ईजी कक्षक, ये भी T2g ईजी कक्षक चल रहे हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 यानी D3 तक इलेक्ट्रॉन के मान में कोई परिवर्तन नजर नहीं आएगा आपको। देखिए 1 के लिए सेम आ रहा, 2 के लिए सेम आ रहा, 3 के लिए सेम आ रहा, लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा दुर्बल फील्ड के अंदर, वीक लिगेंड के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन ईजी कक्षक में चला जाता है और ऊर्जा का मान होता है -0.6। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड होते क्या होगा, मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पेयरिंग कर लेता है, न कि अनपेयर्ड यानी ईजी में नहीं जाता है, वो वापस किस में जा रहा है T2g के अंदर। तो ये यहाँ पेयरिंग होने के कारण इसका मान मैंने कहा -1.6। इस प्रकार से हम D5 जो मान 0 आ रहा है, D6, D7, D8, D10 तक का मान निकाल सकते हैं। देखिए आगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे थे, अब टेट्राहेड्रल कल भी आपको बताया था वही देखिए, ये डी जनरेट ऑर्बिट हमारे पास पांचों, और इसके यहां आपको ध्यान रखना है, ये मैंने कहा यहाँ पे T2 और यहां मैंने कहा आपको E, ये ध्यान रखना विशेष करके, ये 3 कक्षक हो गए, इसमें 2 कक्षक, ये औसत ऊर्जा। यहाँ पे G नहीं लगाना है आपको, ये G का प्रयोग नहीं करना है, जो क्या बताया था मैंने आपको सिमेट्री, क्योंकि टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय के अंदर सिमेट्री नहीं पाई जाती है, इसलिए हम T2 लिखेंगे और यहाँ E लिखेंगे, इनका अर्थ मैंने कल आपको बताया था। और ऊर्जा की अगर हम बात करें तो देखिए ये हो गया T2 और इस ऊर्जा का मान हमारे पास कितना आया +0.4 डेल्टा T से लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो मान लिखेंगे वो -0.6 डेल्टा T, ठीक है। यहाँ पे 2 आगे या आगे ईजी की, और मान वही मैंने बताया दोनों का क्या होगा Δt, यहाँ पे Δt से संबोधित कर रहे हैं, वहां हमने ऑक्टाहेड्रल O से संबोधित कर रहे थे, यहाँ हम T से संबोधित कर रहे हैं। अंतर से आपको इतना ही देखना है इसमें कि वही समान ऊर्जा एक कक्षक है, लिगेंड आने के बाद ऊर्जा विभाजन होगा और विभाजन होकर के डी कक्षक जो है वो सब सेल ईजी और T2g जो कि हम ऑक्टाहेड्रल बात कर रहे थे, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है E और T2, ये रखना कि यहाँ पे G का प्रयोग नहीं करेंगे, दो तरीके से विभाजित हो गया, T2 ऊपर के कक्षक हो गए, E नीचे के, यानी लोअर एनर्जी के हो गए या हायर एनर्जी के हो गए। यहाँ पे औसत ऊर्जा से 0.6 एनर्जी हायर कौन से T2 कक्षक है, और यहाँ पे -0.6 जो है वो ईजी कक्षक जो लोअर एनर्जी के हैं, और 0.4 जो है वो प्लस वो किसके हैं Δt यानी इसके हैं T2 के कक्षक हैं, इनकी बात करें। इसी प्रकार से इसका भी हम निकाल सकते हैं CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान, और ये क्या आ जाएगा आपके पास +0.4 Δt एन T2, ठीक है, -0.6 Δt एन ई कक्षक, यह आपको ध्यान रखना है यहां पे, ये 0.4 Δt एन T2 में, और ये -0.6 Δt एन इसमें है ई में कक्षकों में है। अब इसमें भी आप देख लें एक बार, फिर D1 का मान निकालें, D1 के लिए क्या आएगा -0.6 इंटू 1 प्लस 0.4 इंटू 0, ठीक है। तो ये कितना है आपके पास,
-0.6। ठीक है, तो डी वन के लिए कितना मान आया? -0.6। अब इसके बाद दो आएंगे तो 1.6, तो डी टू के लिए कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे डी टू तक का कोई दिक्कत नहीं आपके लिए, क्यों? डी टू के अंदर क्या हमारे पास दो कक्षा नीचे एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। डी थ्री का मान और वीक फील्ड के लिए अगर हम लें तो डी थ्री का मान में क्या आएगा? ये हो गए ई कक्षक और ये हो गए टी टू कक्षक। अब वीक फील्ड है इसका मतलब क्या होगा आपका? एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो वो इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है? वीक फील्ड की हम बात कर रहे हैं वहां पे। अगर यही स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो क्या करते? एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन जो वो इसी में आ जाएगा। ये ध्यान रखना, तीसरा इलेक्ट्रॉन डी थ्री का यहां पे पेयरिंग हो जाएगा। फिर हम फॉर्मूला मान रखेंगे तो इनके मान फिर निकाल सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि वीक फील्ड के अंदर अनपेयर्ड रहेंगे उसके अनुसार मान निकलेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर पेयरिंग हो जाएंगे उसके अनुसार मान निकलेगा। तो अंतर विशेष करके आपके सामने क्या आया? एक तो टी टू वाला, यहाँ पे हमने टी टू यूज कर रहे हैं जबकि यहाँ पे हमने टी टू जी यूज कर रहे थे, यहाँ पे हमने ई यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ई जी यूज कर रहे हैं। ये दोनों चीजें आप इसको लिखते समय गलती नहीं करें, ये ध्यान इसको रखिए। नेक्स्ट, ये ऊपर लेवल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल की जैसे मैंने बात की पहले, इसको एक बार फिर देख लें आप कि वो एनर्जी लेवल जिसमें मैंने कहा था आपको दो प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हुई, और दोनों का ऊर्जा का मान जो है वो किस रूप में निकाल सकते हैं। यहाँ आप दोनों देख सकते हैं, ये मैंने कहा था टी टू वाला है और ये ई वाला है। ये दोनों कक्षक स्प्लिट होने के बाद वही ऊर्जा का मान जो हो 10 dB की भी हम कह सकते हैं डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी से संबोधित कर रहे हैं, वहां पे डेल्टा ओ से कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा का मान हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक, इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वेयर प्लेनर। स्क्वेयर प्लेनर में आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अष्टकफल के संकुल में दो ट्रांस समूह है जो क्या है, माना जेड एक्सिस पर स्थित है, चाहे वे पास पास आए इलेक्ट्रॉन चाहे दूर दूर जाए, परिणामी जो संकुल में चतुर्भुजीय विकृति आ जाती है। जो परिणामी रिजल्टेंट जब हमारे पास संकुल बनता है तो उसके अंदर एक चतुर्भुजीय विकृति आ जाएगी। किसके कारण से? जब मैंने कहा दो समान समूह है माना जेड एक्स पर स्थित हैं, वो चाहे धातु से दूर जाएं चाहे नजदीक आए, विकृति आ जाती है। उसमें ईजी व टी2जी कक्षकों का जो विपाटन है वो एक्स एक्सिस के खिंचाव के कारण शो होता है इसके अंदर। और आप यहां देखेंगे, देखिए ये टी2जी ये ईजी, व्यवस्था वही होगी जैसा ऑक्टाहेड्रल में हमने पहले बताया था, टी2जी लोअर एनर्जी के होंगे, ईजी हायर एनर्जी के होंगे। लेकिन एक्स एक्सिस की जो हमने बात की थी जेड में, कि जेड को हमने यहां पे क्या कर रहे हैं, जेड लिगेंड को हटाने की स्थिति, उससे पूर्व की स्थिति ये क्या चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है जब समान ऊर्जा में। अब यहां पे जैसे लिगेंड आते हैं और जेड को हमने हटाने की बात करें, तब देखिए आप ईजी कक्षक में, पहले ईजी में दो ऑर्बिट थे, कौन से? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और ईजी जिसमें डी जेड स्क्वायर। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि डी जेड स्क्वायर का कक्षक जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से नीचे की ओर दिखाया, इसका मतलब इसकी ऊर्जा इससे कम हो जाती है। यहां पे आप देखिए एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, यहां पे एक्स वाई की ऊर्जा ज्यादा है लेकिन एक्स जेड और वाई जेड इन दोनों की ऊर्जा फिर कम हो जाती है। इसका मतलब कारण क्या था? मैंने कहा जेड लिगेंड को हटाने पर, तो जेड लिगेंड का यहां पे शो नहीं हो रहा, इसका मतलब ऊर्जा उसकी कम हो जाएगी। अब आगे जब विपाटन और होता तब आप देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जिसको हमने कह दिया B1G के नाम से, और जेड स्क्वायर जो कक्ष था उसकी एनर्जी नीचे के T2G ऑर्बिट के XY ऑर्बिट से कम हो जाती है। ये ध्यान रखना विशेष रूप से, XY ऑर्बिट की ऊर्जा जो है वो EG के जेड स्क्वायर कक्ष से ज्यादा हो जाती है, इसलिए हमने कहा XY B1G नाम दिया और इसको जेड को नाम दिया हमने A1G। तो ये नाम संबोधित आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज्यादा रटने की जरूरत नहीं आपको, यानी एक सिंबल आपको दिखा रहा कि डेल्टा का मान जो है वो कितना, यानी B1G B2G के मध्य वो 10 dQ का अंतर आ रहा है। यहाँ पे एक्स जेड और वाई जेड यानी दो समान ऊर्जा के कक्षक हैं, ये जो है सबसे लोवेस्ट एनर्जी के कक्षक हो जाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो एग्जांपल आपको मैं कराऊंगा इसके अंदर। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर जहाँ बात कर रहे थे, और ये किस में पाया जाता है, डी एट विन्यास में पाया जाता है। डी एट विन्यास में जैसे हम हेक्सा एक्वा निकल बात करें या साइनो हेक्सा साइनो निकलेट की बात करें, इन दोनों एग्जाम्पलों से हम समझ पाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन किस रूप में हो रहा। आप देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हम कर रहे थे इसी में पहले भी कि भाई किस प्रकार से ये जा रहे हैं, देखिए डी कक्षक की स्थिति थी और यहाँ पे डी एट विन्यास अगर हम भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो वो किस रूप में जाएंगे। अब देखिए ये है वीक फील्ड, लिगेंड कैसा हमारे पास वीक फील्ड, इसकी बात कर रहे हैं, जल जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब हम भरेंगे डी एट की बात कर रहे हैं तो ये किस में जाएंगे, वीक फील्ड है, इसका मतलब किस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन पहले, तो ये है 1, 2, 3, 4, 5 अनपेयर्ड हो गए, उसके बाद पेयरिंग 6, 7, 8 ये स्थिति बनेगी आपकी इसमें T2 में और TG में। तो ये बन गई वीक फील्ड के लिए। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर होता तो यहाँ क्या स्थिति बनती, यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या स्थिति बनेगी, क्योंकि ये तीनों कक्षा पहले से भरे हुए हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इनके अंदर तो। लेकिन यहाँ वाले जो कक्षक हैं, दो कक्षक जिनके हम बात की थी, ये फिर विपाटित हो जाते हैं और ये कक्षक इस रूप में आगे बढ़ जाएंगे, यानी ये क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक इसके जो इलेक्ट्रॉन जो थे हमारे पास, ये दोनों पेयरिंग होकर के इसमें आ जाएंगे, ये कक्ष हमारे पास वेकेंट रह जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। ये क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण आएगा कि देखिए ये वेकेंट रह गया क्योंकि यहाँ पे दोनों हमने कहा जब वीक फील्ड था तो समान ऊर्जा के वितरित होकर के समान ऊर्जा के कक्षक थे, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर गया। लेकिन जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड आया तो मैंने कहा कि स्क्वायर प्लेनर बनने की कोशिश, अष्टकफल के में स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है, इन कक्षकों में विपाटन शुरू हो जाता है। जेड कक्षक जेड एक्सिस की ओर मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाए चाहे नजदीक आए तो जेड को जब हम हटाकर बात कर रहे हैं तो ये एनर्जी क्या लो हो गई और इसमें दोनों कक्ष इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्ष में आ गए और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो हायर एनर्जी में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब देखिए क्या होता है, माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई, ये चार ऑर्बिट यहाँ पे अब देख एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में है तो चार तरीके से लिगेंड यहाँ पे प्रवेश करेगा। यहाँ पे नीचे क्या है डी जेड में दो तरीके से लिगेंड प्रवेश, लेकिन चूंकि यहाँ पे बंद नहीं बन पा रहा कि डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रवेश कर सकते हैं लिगेंड के, चार। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कहने का अर्थ कि अष्टक फल की स्क्वायर प्लेनर के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो अष्टक बल के बनने की कोशिश में, कल लाइन आई थी कि अष्टक फल के बनने की एक असफल कोशिश में स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोशिश तो ऑक्टाहेड्रल की बनने की थी लेकिन जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की हमने बात की कि हायर एनर्जी में चला गया तो यहाँ पे चार कक्ष हमारे पास एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस के उपलब्ध हो गए। ये चारों जब मेटल की ओर आएंगे तो चार प्रकार से बंद बनाकर क्या करेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर पाता है। थैंक यू, आगे के टॉपिक में हम लेंगे।